व्हाट्सअप हो जी स्कीमियों की हाल चाल अमृत मान भाई दी ईपी आ रही है। ईपी का नाम है जी ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग नहीं ग्लोबल वार्मिंग। सो भाई दी यह ईपी है, ईपी मैं लगता चार पाँच गाने आ एंड ईपी की इंट्रो आई आ। थले मैं कॉमेंट पढ़ रहा है एक चीज़ जी अमृत मान भाई के नाम नाल जुड़ी हुई है कि उही है ना जो बई का रौला जहा हो पिछे। मैं इस चीज़ पर बोलना नहीं सगा, वो बई ना सारे कह देंगे कि मुंडा जट तो भापा से है ना। काफ़ी कमेंट इदा ये थले भी पे आ, मे बी कमेंट बहुत घट्ट आ मॉडरेट किए हो स्पीड रैकर्ड्स वाले ने, बट है ना काफ़ी कमेंट आए आ कि भी पापा एससी आ बन गया है ना नौकरी लिए इदा का कुछ जो पहला सीन होया। काफ़ी लोगों ने उदों भी ट्रोल किया, चलो एक खुल के गल की जाए इस टॉपिक पर। सो यार तुसी वो बंदे का गाना सुन आए हो, तुसी वो बंदे ना कि इंट्रो देखने आए हो ईपी की, तुसी इन्ना ट्रोल क्यों कर रहे हो? मैंने तो एक चीज़ ये समझ नहीं आती। चलो जे मन के चल पहली गल तो है ना कोई भी कन्फर्मेशन चीज़ है नहीं अपने सामने कि एक्चुअली ये गल हुई आ। दूजी गल बई हुण उहदे फादर साहब की जो कोई गलती है उहदे च फिर उहदी तो कोई गलती है नहीं गी है ना। बाकी जिहदी किस्मत च जो लिखिया हुण अज्ज अमृत मान बई देख लो किस लैवल ते पहुंचिया होया, किस लैवल ते ना मतलब अपने सुपने जिहड़ियां चीज़ां ते देखदे होवांगे उह चीज़ां जे बंदे कोल होणगियां एंड बंदा जिंदगी च वी वैसे किड्डी वड्डी अचीवमेंट करी बैठा, किन्ने लोग प्यार करदे आ एंड बई ने जिथे जाना सी है ना चाहे वह कोई भी कारण बन हो, आई डोंट नो नौकरी किसी की लैके उहदे बापू ने उहदी बापू दे वजह करके बई अज जो भी बनया होगा उहदी वजह करके बनया होगा। फिर चाहे नौकरियां लैण लई भी पहलां दे जमाने दी गल्लां इह लोग बहुत कुछ करते सी उदों, जिन्ना क मैं सुनदा आस पास के लोगों तो है ना जां जिवें वड्डे बंदियां च बैठी दा सुनी दा, तो वह कहिंदे वी पहलां समय च है ना जिहड़े जट लोग सी उन्हां नूं काफ़ी पुलिस च नौकरियां मिल जाईआं छड्ड दिंदे सीगे। उदों टीचर दीआं नौकरियां वी लोगों नूं मिलदीआं हुंदीआं सी क्योंकि उदों पे घट हुंदी सी है ना गवर्नमेंट जॉब की, सो लोग छड्ड दिंदे सीगे। कोई सफाई देण दी कोशिश नहीं मैं कर रहा, बट ये कहण दी कोशिश कर रहा कि यार तुसीं उहदे म्यूजिक नूं अंडरएस्टीमेट ना करो है ना। सिर्फ उहदी शायद फादर दी पता नहीं गलती है भी कि नहीं है, वो चीज़ दी बाई ने भी हजे तक कोई कन्फर्मेशन नहीं की। सो प्लीज़ एंड थले कमेंट मैं होर पढ़ रहा लिख रहा जनता कहिंदे बीट अपनी बी टी एफ यू जिहड़ी करन औजले दी एल्बम सीगी उहदी कॉपी कर ली है ये इंट्रो। सो पहले आप इंट्रो चैक करते हैं, देखते हैं कि सच्ची कॉपी है ये की है ना इंट्रो। सो आओ बिना टाइम वेस्ट किए आप ईपी टी इंट्रो वेने ईपी दी वेना की होने वाला ईपी च। अमृत मान ਕੈਂਟ ਜੱਟ ਯਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਣਾਇਆ ਓਕੇ ਜੋ ਹਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਕੇ तरक्की मिलने तो बाद एक अजीब संघर्ष है, अजीब लड़ाई है। That's true। बेबे कहती होंगी सी तरक्की नूं महसूस करो, इहदे नाल मुहब्बत ना करो, यह अटल नहीं। कोशिश पहले दिन वांगू करो जिवें तरक्की दा आखरी दिन होवे। That's fucking awesome। बस इसे कोशिश नाल दोबारा आ रहा ग्लोबल वार्मिंग लाइक क्रेजी मैन क्रेजी 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 ओके बड़ी कैंट है ना। स्टार्टिंग दे विच बई ने आपदे मुँहे बोली है ना इंट्रो दसी गई जिदा कि करन औजले बई ने भी है ना तां लोग कह रहे मे बी कि सेम आ बई दी भी जदों बी टी एफ हुई सी बई ने आपदे स्टोरी दसी सी है ना कि कित्थों मैं कित्थे आया है ना जो भी ये सारी स्टोरी दसी जाती है। इस भी दस्या गया आपदी बेबे बारे दस्या गया कि बेबे ने की गल्लां कहीं हर घर की गल दसी गई एंड किदा है ना सक्सैसफुल होना एंड उदू बाद उस चीज़ को मेनटेन रखने की बई गल कर रहा। आई थिंक सो कितना कितने इस ईपी के रिप्लाई किया जाऊगा उन्होंने शायद जे अमृत मान बई तो हेट करते किसी ना किसी तरीके है ना जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई सी एंड यॉट वाले सीन देख के भी काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि बई जी कॉपी आ। सो इको लेबल से बई ने एल्बम की ऑयलैंड इको लेबल से यह एल्बम आ, हो सकता कि लेबल के जोड़े वीडियो डायरैक्टर्स आ या कि इंट्रो का थीम ही पंजाबियों दिमाग से अजे तक यह है कुछ होर भी कर सकते इंट्रो, बट शायद उन्होंने ये बैटर लग्या ये चीज़ा दिखाना सारा कुछ। जिदा यॉट बई ऑयले की इंट्रो च भी दिखाई गई सी प्यार तोरी फिर बाकी बेबे का कहा था अज तक मुड़े ही नहीं ओके कोशिश जारी है कत्ती नूं मिलदे क्या बात है ओके 31st नूं आ रही है जी ईपी खतरनाक क्रेजी बिजनेस मैन गाने का बंब होंगे यार बंदे दे परसनली मैं यदा फैन नहीं मैं म्यूजिक का फैन है एंड गाने मैनू बहुत बंब लगते हैं चोबर के। तो 31 तरीक न इस ईपी की है ना जी अपनों ऑफिशियल पूरी ईपी सुनने को मिलेगी बेसिकली स्पीड रैकर्ड्स से आ रही है एंड स्पैशली इंट्रो देखने बाद लग रहा कि
थोड़ी रिलेटेबल गल्लां भी कीतियां जाणगियां ना ईपी दे विच। एंड कॉपी कूपी वाला मैनू कोई सीन खास लग्या नहीं, थोड़े विजुअल्स भी मैच हो रहे इदां ही है ना। एक पैटर्न हुंदा यार इंट्रो दा भी, इंट्रो किदां दित्ती जावे, इंट्रो च पहलां ना बोलिया जांदा है, फिर विजुअल चलते आ, म्यूजिक चलता दस्या जाता कि ना एल्बम इदे आ रही है या आह कुछ होने वाला। सो उदा ही यह इंट्रो आना जिदा इंट्रो होंगे, मैंने नहीं लगता कि शायद इंट्रो कॉपी हो सकती है। बाकी थोड़े की विचार है ई पी लैके बई दी, एंड परसनली थोनू बई दे गाने किन्ने क पसंद है मैंने वो भी कमेंट करके दस्यो। मैं इच्छुक हाँ क्योंकि सुनते तो सारे डीजियाँ से बहुत गाने बई दे। मैं परसनली बई दी लास्ट ई पी आई सी जिदे विच मेडिसन गाना सी, जिदे विच मैं नाम भुल रहा, मेरे कोल स्पॉटीफाई ते जमा टॉप ते पई होनी, आपां हुणे चैक कर लैंदे आ। सो जिहड़ी है ना वो लास्ट ई पी आई सी, ई पी सी है ना, मे बी एल्बम तो नहीं सी, एंड वह मैं इन्नी क रिपीट ते सुनी है ना। एक्सपेंसिव नाम सी शायद, एक्सपेंसिव जिहड़ी ई पी सी बई, वो मैं बहुत कसाई अज तक मैं सुनदा, क्योंकि गाने बड़े पॉजिटिव जी है, पॉजिटिव जी वाइब आ, मैं अज भी सुनदा। बाकी यह सी अज्ज दी वीडियो कमेंट करके जरूर दस्यो कि जदों ई पी आई आपां फरदर कोई रिएक्शन वीडियो लैके आईए, जे तुसीं कहोगे नहीं तो फिर भाई नहीं।